अभी तक हम लोगों को वेनम की फिल्म सीरीज में बहुत सारे वेनम देखने के लिए मिले हैं, बट वेनम 3 में एक ऐसा वेनम देखने के लिए मिला जिसके पास इलेक्ट्रिक पावर है। और यहाँ पे मैं सिर्फ वेनम फिल्म सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ, कॉमिक्स के बारे में बात नहीं कर रहा। वहाँ पे बहुत सारे वेनम है, उनके पास अलग अलग पावर्स है, उनके अलग अलग एबिलिटीज है। पर यहाँ पे अब असली सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक वेनम के पास ये पावर्स पहले से ही थी या इसके पीछे कोई और रीजन है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस इलेक्ट्रिक वेनम का नाम बता देता हूँ। इसका नाम है एग्नी, और ये सबसे पहली बार तब देखने के लिए मिला था जब डॉक्टर टेडी अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए अपनी जेब में से वो वेनम टाइप की बोतल निकालती है और उसे तोड़ करके इस इलेक्ट्रिक वेनम में बदल जाती है, यानी कि एग्नी वेनम में बदल जाती है। और इस वेनम को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसा कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो, और साथ ही में इस इलेक्ट्रिक वेनम को देख करके फ्लैश की याद आ रही थी। आप लोगों को भी ऐसा लगा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर असल मुद्दा यह है कि इस वेनम की असली में यही पावर है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है। अभी तक हम लोगों ने जो भी फिल्म सीरीज में वेनम देख रखे हैं, वो सारे के सारे वेनम जो है किसी दूसरी की बॉडी के ऊपर कब्जा करते हैं और वो अपने होस्ट की मदद से बहुत सारे वेपन भी बना सकते हैं अलग अलग तरीके के। पर इस इलेक्ट्रिक वेनम जैसा अभी तक हम लोग को वेनम के तीनों ही पार्ट में कोई भी वेनम नहीं दिखाया गया है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि हम लोग जानते हैं कि भाई वेनम बहुत सारे हैं, मतलब पृथ्वी के ऊपर कुछ ही वेनम आए थे जो कि हम लोग को पूरी फिल्म सीरीज में लगभग देखने के लिए मिल चुके हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे वेनम हैं और उनके पास किस किस तरह की पावर्स हैं ये हम लोगों को नहीं पता है। जैसा कि वेनम के फर्स्ट पार्ट में हम लोग को एक स्टील टाइप का वेनम देखने के लिए मिला था जो कि हमारे वाले वेनम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो इस बात से समझ में आता है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे वेनम हैं जिनके बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, और उन सभी वेनम के पास किस किस तरह की पावर्स हैं ये भी हम लोग नहीं जानते हैं। पर मेरे हिसाब से इस इलेक्ट्रिक वेनम की पावर्स के पीछे का राज कुछ और ही है। अगर आप लोगों ने वेनम 3 मूवी देख रखी है तो जब डॉक्टर टेडी अपने पास्ट के बारे में बता रही होती है कि उन्हें वो लाइटनिंग स्कार कैसे मिला, जहां वो अपने ब्रदर के साथ हाथ में हाथ डाल के कहीं जा रही होती हैं, तभी यहां पे बिजली उनके ऊपर गिरती है जिससे कि उसके भाई की मौत हो जाती है और डॉक्टर टेडी को वो लाइटनिंग स्कार मिल जाता है। और यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि उस लाइटनिंग स्कार की वजह से ही एग्नी को भाई वो इलेक्ट्रिक पावर मिली थी। और इस बात को सही साबित करने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं स्पाइडरमैन का। जैसे कि स्पाइडरमैन यूनिवर्स में देखा था कि भाई वेनम जो है जब स्पाइडरमैन की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है तो यहाँ पे स्पाइडरमैन की पावर्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं, मानो कि ऐसा लगता है कि स्पाइडरमैन की पावर्स को एनहांस कर दिया गया हो। तो इट मीन्स स्पाइडरमैन के पास पहले से ही पावर्स थी, जब वेनम उसके अंदर घुसा तो उसकी पावर को एनहांस कर दिया। तो सेम चीज जो है यहाँ पे डॉक्टर टेडी के साथ हुई होगी, उसके अंदर कहीं ना कहीं उस इलेक्ट्रिक हमले का जो अंश थोड़ा बहुत जो उसकी बॉडी के अंदर रह गया होगा, और जब एग्नी जो है उसकी बॉडी के साथ जुड़ती है तो एग्नी ने उस इलेक्ट्रिक थिंग को एनहांस कर दिया होगा, जिसके बाद एग्नी के पास वो पावर्स आ गई। मुझे ये थ्योरी काफी हद तक काफी ज्यादा सही लगी। या फिर इसके अलावा ये भी हो सकता है कि यहाँ पे एग्नी के पास पहले से ही कुछ इलेक्ट्रिक पावर हो, और जब वो डॉक्टर टेडी के उस लाइटनिंग स्कार के साथ मिलती है तो उसकी पावर एकदम से एनहांस हो जाती है, और जिसके बाद हम लोगों को वो इलेक्ट्रिक वेनम देखने के लिए मिलता है। बाय द वे, आप लोगों का क्या सोचना है इसके ऊपर मुझे कमेंट करके जरूर बताना।